चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार मदन कौशिक बागेश्वर पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस पूरे मामले में फिर से विवाद खड़ा हो गया है। किरकिरी के बाद आईजी ने जांच करने की बात कही तो वही आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इसी बहाने पर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गई है। अब इस पूरे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेना चाहिए था, गलती से ले लिया गार्ड ऑफ ऑनर, लंबे समय तक मिनिस्टर रहा था इसलिए ख्याल नहीं रहा। इस पूरे मसले पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि मदन कौशिक पिछले कई सालों से मंत्री रहे हैं, पुलिस ने भूल के चलते गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दे दिया, इससे कोई भी राजनीति का विषय नहीं बनता है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो आज मदन कौशिक जब बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसी पर विवाद खड़ा हो गया। वही मदन कौशिक ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं कई सालों तक मंत्री रहा था इसलिए भूल से मैंने गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेना चाहिए था। उधम सिंह नगर में सीमान क्षेत्र खटीमा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में महंगाई के विरोध में रैली निकाली। कांग्रेस द्वारा निकाली गई इस महंगाई विरोधी रैली में भारी संख्या में जहां महिलाओं ने भाग लिया जो प्याज और सब्जियों की मालाएं पहनकर आई थी। कांग्रेस की इस रैली का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने कहा कि देश और प्रदेश में हर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, खाने की वस्तुएं काफी महंगी हो गई है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़ गए हैं, वही खाना वाले तेल के दाम भी कुछ समय के अंदर 60 से 160 लीटर तक पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा महंगाई घरेलू गैस के सिलेंडर पर बढ़ी है, जिसके विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल हुई है। तो लगातार कांग्रेस उत्तराखंड में महंगाई का मुद्दा उठाती रहती है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज रसोई गैस की कीमतें आसमान छू गई हैं, हजार रुपए तक पहुंच रही है, डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दालों की कीमत लगातार बढ़ रही है, खाने का जो तेल है, हम डीजल और पेट्रोल की बात तो सब कर रहे हैं कि जो 100 रुपये से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अगर हम खाने की तेल की बात भी करें, पिछले 7 महीनों में 60 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गया है, तो गरीब आदमी का जीवन बड़ा कठिन हो गया है। तो आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ निकल कर आ रहे हैं, हमारे वो बेरोजगार युवा जो पढ़े लिखे हैं और कहीं सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरियों में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश में नौकरियाँ बंद हो गई, लोगों को निकाल रहे हैं, तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महिलाएँ बहुत परेशान हैं कि उनके रसोई का सामान बहुत महंगा हो गया, तो सारे लोग हजारों की संख्या में निकल कर आए हैं। जो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है।